नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त मानव जीवन में आंखों का बहुत ही महत्व है, इसलिए आज स्वास्थ्य शिविर में देखिए किस प्रकार डॉक्टरों के द्वारा आंखों पर विशेष प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि 60 की उम्र में अधिकांश लोगों को देखिए मोतियाबिंद जैसी बीमारी लग जाती है, जिसका ऑपरेशन ही सफल इलाज है। बिना ऑपरेशन के आप इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते, मोतियाबिंद के लिए आप ऑपरेशन ही कराएं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आजकल की युवा पीढ़ी देखा जा रहा है कि अधिक मोबाइल के चलाने और कंप्यूटर के चलने से उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है। ऐसे में आप कंप्यूटर और मोबाइल चलाते समय एक बार अपनी आँखों को जरूर जपजपी करें, यानी कि एक बार अपनी आंखों को अवश्य चलाएं और ज़्यादा देर तक लगातार न देखें। प्रत्येक 20 मिनट के बाद अपनी आंखों के पलकों को झपकाते रहें, साथ ही साथ साफ पानी से धोते रहें। इसके अलावा डॉक्टरों ने बताया है कि आंखों को लेकर अनेक प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ काला पानी के भी कुछ रोगी आए हैं जिनका भी इलाज किया गया है, और साथ ही साथ आँखों पर देखिए किस प्रकार अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, और अनेक प्रकार की युवा आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि आँखें हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर ने उन लोगों को भी जानकारी दी जो लोग मेडिकल की दुकान से कोई भी आँखों की दवा खरीद कर अपनी आँखों में डाल लेते हैं। ऐसे मरीज अपनी आँखों को खराब कर रहे हैं। ऐसे मरीजों से उनका विशेष तौर पर कहना है कि ऐसे मरीज बाजार से दवा ना खरीद कर अपनी आंखों को डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर ही आंखों का उचित इलाज कर सकते हैं और आंखें हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा है। और ये सब बातें कही हैं। आपको बता दें कि आगरा जगने रोड के शांति देवी इंटर कॉलेज में, जी हां दोस्तों, चौधरी मंजीत सिंह स्मृति जन सेवा समिति के तत्वाधान में शांति देवी कन्या इंटर कॉलेज 9 मील पर पिछले 22 वर्षों से हर माह की 18 तारीख को लगने वाले निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन माननीय चौधरी उदयवान सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और शिविर में सभी रोगों के विशेष डॉक्टरों ने भाग लिया। विशेष रूप से डॉक्टर सियाराम शर्मा, डॉक्टर आर के मिश्रा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राणा, चिकित्सा शिविर में लगभग 325 रोगियों का परीक्षण हुआ और नेत्र रोग के 40 रोगियों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए SN मेडिकल कॉलेज आगरा में भी भेजा गया है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपको बता दें कि विशेष सहयोग रहा है अशोक लवानिया, सुरेश मित्तल, इंजीनियर गोविंद सिंह, इंजीनियर महेंद्र सिंह, वीरेंद्र भोले, डॉक्टर संजीव पाल सिंह, देवेंद्र चौधरी, हाकिम सिंह प्रधान, सियाराम सिंह, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर आंचल चौधरी, श्याम राजपूत, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर टीकाराम आदि लोग उपस्थित रहे, सत्यवान सिंह सहित देखिए किस प्रकार बड़ी संख्या में यहाँ सभी गणमान्य लोग, आसपास के लोग, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, और देखिए कई यहाँ नेता, युवा सभी के द्वारा इस कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। और ये आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रहे हैं ताजनगरी आगरा के 9 मील, देखिए जी किस प्रकार शिविर में जो 40 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है, उन सबको इसी एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। तो आइए जानते हैं डॉक्टरों से क्या कुछ कहना है आंखों को लेकर, किस प्रकार की उन्हें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता। मैं डॉक्टर लवली मधुर, SN मेडिकल कॉलेज आगरा से, आज यहाँ पे चौधरी जी की याद में कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। ये इसमें हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम जो है लाभ प्रदान करें, और हमें यहाँ पे जो पेशेंट्स मिले हैं वो यंग जनरेशन में जो हमें देखने को मिला है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव एरर देखने को मिलता है, जिसमें नजर कमजोर होना। तो नजर जो कमजोर होती है वो ये है कि हम बहुत स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। आज की यंग जनरेशन में लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, टाइम पे ना दिखाने की वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर जो हमारा होता है, चश्मे का नंबर अगर बहुत ज़्यादा है तो एम्ब्लायोपिया एक चीज़ होती है, पेशेंट उससे परेशान हो जाता है, ठीक है, दोनों आंखों में अगर नंबर अलग अलग है तो फिर ये ऐसी परेशानी है जिसके बाद में अगर पेशेंट बहुत देर से आता है तो उसका जो है पूरा हम चश्मे का नंबर नहीं दे पाते हैं, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। इसलिए अगर कोई भी आंख में समस्या लगे तो हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि एक ये भी बहुत चलन है
कि मेडिकल स्टोर से दवा ले लेना। अगर कोई भी समस्या है आंख में तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि आज ही हमारे पास में पेशेंट्स आए थे, कुछ ऐसे पेशेंट है जो सिप्लॉक्स डी मेडिकल स्टोर से लेके आंख में डालते हैं, उससे क्या होता है कि आंख में मोतियाबिंद काला पानी की समस्या और बढ़ जाती है, देखने को मिलती है। तो ऐसे भी मरीज हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको क्या दवा डालनी है क्या नहीं डालनी है, तो ये भी एक बड़ी परेशानी देखने को मिली है। ज़्यादातर पेशेंट हमने जो एडमिट किए हैं वो मोतियाबिंद के पेशेंट्स हैं और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को। चलिए, तो वो यहाँ किस प्रकार के मरीज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर भूषण मल्होत्रा, हम लोग SN मेडिकल कॉलेज आगरा से यहाँ पे आए हैं। ये चौधरी जी के याद में ये जो कैंप है ये 22 साल से यहाँ पे हम सेवा दे रहे हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग। और यहाँ पे आज जब हम आए हैं तो हमने लगभग 100-150 मरीज हमने देख लिए हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर जो यहाँ पे हमने मरीज देखे हैं वो मोतियाबिंद के हैं। मोतियाबिंद जो हमारे पास जो ज़्यादातर एज ग्रुप है वो 60 से 65 साल की उम्र के लोग आते हैं, और वो मोस्टली उनको मोतियाबिंद की ही शिकायत रहती है, उसी को हम यहाँ पे भर्ती करते हैं। और ये हम हर साल यहाँ से लगभग हर महीने हमारा 18 को ये कैंप में हम आते हैं और इन मरीजों को भर्ती करके हम SN में सेवाएं देते हैं। इनका ऑपरेशन होता है बिल्कुल मुफ्त, निःशुल्क होता है। अच्छा, इसके और क्या क्या बचाव के उपाय है? देखिए, मोतियाबिंद एक एज रिलेटेड कहते हैं इसे, तो इसका कोई बचाव नहीं है, ये समय के साथ होता ही है और इसका मतलब 60-65 की उम्र में ये हो ही जाता है। तो इसका यही है कि इसे ऑपरेशन के द्वारा ही निकाला जाता है, इसका कोई बचाव नहीं है। पर और भी चीज़ें जैसे कुछ मरीजों में आज हमें देखने को मिली, जैसे कुछ मरीजों में जो यंग बच्चे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनको देखने में समस्या है, सिर दर्द की समस्या है, आजकल मोबाइल इतना चलाने लगे हैं उसकी वजह से उनकी आंखों में दर्द, सिर में दर्द, ये सब है। तो इन सब के लिए हम कर सकते हैं कि आजकल जो बच्चे इतना मोबाइल चला रहे हैं उसे थोड़ा कम करें, इतना TV और ये मोबाइल पे थोड़ा कम ध्यान दें। और बाकी तो इसका इलाज तो यही है कि चश्मे की हम लोग जांच यहाँ पे करवा के उनको हम सहायता प्रदान कर रहे हैं। और बाकी और काला पानी के भी मरीज कुछ देखे, दो तीन ही देखे, उनको हमने अपने वहाँ पे OPD में बुला के पूरा ग्लोकोमा वर्कअप होता है, पूरा काले पानी का वर्कअप होता है, वो हम करके उनको वहाँ पे सहायता देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी तो मोतियाबिंद का ही है। इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा जंगनेर रोड स्थित शांति देवी इंटर कॉलेज में, और आपको बता दें यहाँ चौधरी मंजीत सिंह की याद में 22 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में यहाँ आज एक बार फिर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आप मेरे पीछे देख रहे हो तस्वीरों में किस प्रकार इलाज के लिए, आँखों के उचित इलाज के लिए एम्बुलेंस में देखिए किस प्रकार सभी लाभार्थियों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है और ज़रूरतमंदों को भेजा जा रहा है। और यह इलाज पिछले 22 वर्ष से लगातार चल रहा है। वहीं आँखों की साफ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान देने के साथ साथ देखिए किस प्रकार यहाँ के डॉक्टरों ने बताया है कि इस समय लगभग 60 की वर्ष की उम्र में मोतियाबिंद हो जाता है, जिसमें आँखों का इलाज कराना अति आवश्यक है। चोप सिंह चक्सेना, आगरा।